मथुरा में 6 से 9 जनवरी तक क्राफ्ट रूट्स अभियान की शुरुआत करवाई गई है। तब आज क्राफ्ट रूट अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों हुई। हस्तकला के कारीगरों के विकास के लिए कार्यरत संस्था क्राफ्ट रूट की ओर से वडोदरा में 6 से 9 जनवरी तक प्रदर्शन का आयोजन करवाया गया है। दरअसल वडोदरा में हर साल ये प्रदर्शन आयोजित होता है, तब इस साल भी इस प्रदर्शन का आयोजन हुआ है, जिसका प्रारंभ आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीप प्राकट्य कर करवाया है। तब आपको बता दें कि इस दौरान सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकीबेन सोनी समेत विधायक और भारतीय जनता पार्टी के शहर होद्देदारों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। आपको ये भी बता दें कि हस्तकला की विभिन्न चीजें इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शित की जा रही है। क्राफ्ट रूट का अलग अलग राज्यों में एग्जीबिशन होता है, इसी तरह आज 6 जनवरी से 5 दिन के लिए एक पैलेस में एग्जीबिशन शुरू हुआ है। 5 दिन तक एग्जीबिशन चलेगा और अलग अलग लगभग 20-22 राज्यों से 80 से ज़्यादा आर्टिस्ट अपने अपने प्रोडक्ट लेकर आए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि क्राफ्ट को प्रेम करने वाले परिवार बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो क्राफ्ट है इसमें आर्ट है। आर्ट है वैसे नहीं होती है, दिल से होती है। और हमारी जो परंपरागत आर्ट है लुप्त हो रही है, उसको रिवाइव करना चाहिए। लेकिन जब तक उसको डिजाइन नहीं मिलती है, जब तक उसका सेल नहीं होता है, तो जो आर्टिस्ट है उसको खाना तो चाहिए भाई, बिना खाना तो परिवार रह नहीं सकता है। तो ये क्राफ्ट रूट काम कर रहा है कि वे उनके जो काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है वो स्टेट में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वो क्राफ्ट देखते हैं, लुप्त हो रही है तो उनको डिजाइन देते हैं, वहाँ ठहरते हैं इंजीनियर अथवा फैशन डिजाइनर, उनको डिजाइन देते हैं, उनको कंप्यूटर में डिजाइन करने के सिखाते हैं और इसी तरह उसकी प्रोडक्ट बनती है और वो प्रोडक्ट लेकर एग्जीबिशन में आते हैं और वो सेल करते हैं, तो खुशी उनको भी मिलती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, आर्टिस्ट लिए आत्मनिर्भर बने, क्योंकि उसने किस तरह बनाया है, किस तरह उसका जो धागा है उसको किस तरह रंग किया है, किस तरह रंग करते हो, रंग कहाँ से लाते हो, ऑर्गेनिक कलर कहाँ से लाते हो, ये उनको पूछोगे तो आपको ये इच्छा होगी कि 50 नहीं मैं 60 रुपया दे दूँ उनको, कि वो तो बहुत कठिन है उसको। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। अभी अहमदाबाद में 2 बार हुआ एग्जीबिशन, 1 महीने के अंदर 2 बार हुआ, और मैं कई जगह जाती हूँ। सब वडोदरावासी हमेशा राह जोईने बैठा हो के अनारबेन पटेल द्वारा जे क्राफ्ट रूटनू एक्जिबिशन सूर्या पैलेस में करवामां आवे छे, ए क्यारथी शुरू थशे? आपना माध्यमथी हूँ मारा वडोदरावासीने जणावा माँगू छू के आजथी सूर्या पैलेस में आप जे राह जोई रह्या हता क्राफ्ट रूट, एनू आजे एक्जिबिशन खुल्लू मूकवामां आव्युं छे। लगभग 27 पण वधारे राज्यमांथी आर्टिजन आव्या छे, अलग अलग खूब सारी वेराइटी, एटले आप सौने जोईए एवी वेराइटी साथेनी बधी ज वस्तु आजे सूर्या पैलेस में छे। 4 दिवस रहेवानुं छे, तो आप बधाने अभिनंदन अने आवकार भी आपूं छूं कि हमेशा वडोदरा राह जोईने बेसतु होय, अने वडोदरा एक शौखीन वडोदरा भी छे, तो आपने आमंत्रण आपूं छूं, अनारबेनने अभिनंदन आपूं छूं कि अनारबेन दर वर्षे अमारा वडोदरावासीनी आप इच्छा पूरी करो छो, अने दरेक राज्यमांथी आर्टिजन ने आप एक प्लेटफॉर्म आपवानुं काम करी रह्या छो। आपने खूब खूब अभिनंदन, अने खास आर्टिजन ने आशीर्वाद आपवा माटे उत्तर प्रदेशना गवर्नर अने आपणा गुजरातना पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल पण उपस्थित रहे छे अने आशीर्वाद आपे छे। बेनने पण वंदन अने अभिनंदन, आर्टिजन ने खूब खूब अभिनंदन। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।